नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। गुरुवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का ऐलान किया है। इस बार बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं भी शामिल हुई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बधाई के साथ की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना दिखाया था, उसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने जा रही है। तो आज हम आपको विधानसभा में पेश हुए बजट की 10 मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। पहला, लखनऊ कानपुर के बाद अब वाराणसी और गोरखपुर में भी मेट्रो लाने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इस बार बजट में इन दो शहरों की मेट्रो शुरू करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं कानपुर में अगले चरण के लिए 747 करोड़ रुपए का बजट पहले से ही प्रस्तावित है और आगरा मेट्रो रेल परियोजना का बजट भी पहले से ही सरकार ने प्रस्तावित कर रखा है। दूसरा, गाँव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए बाबूजी ग्राम कल्याण योजना की शुरुआत सरकार ने की है, जिससे गाँव के रास्तों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, 2018 से चली आ रही किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,55,00,000 किसानों के खाते में 42,565 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये ऐलान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में किया। चौथा, मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे योगी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना थी। इस एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने इस बार बजट में 695 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। पांचवा, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दोगुनी करने का ऐलान कर दिया है, जो अब 500 रुपए से 1,000 रुपए कर दी जाएगी। छठवां, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहे हैं। शायद उसी का यह नतीजा है कि सरकार ने इस बार 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। इस बजट का ऐलान आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। सातवां, इस बार सरकार महिला सुरक्षा पर भी जोर दे रही है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 नई महिला पीएसी बटालियन का गठन होगा। वहीं महिलाओं में कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का ऐलान भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से किया गया है। आठवां, कानून के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखते हुए युवा अधिवक्ताओं के लिए वित्त मंत्री ने 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिससे 3 साल तक किताबें और पत्रिकाएं मुहैया कराई जाएंगी। नौवां, पर्यटन के लिए सरकार ने वाराणसी में गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक सड़क के लिए 77 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर की सड़क के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा वाराणसी और अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से ऐलान किया गया है। दसवां, इस बार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को भी ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अरबी और फारसी के मदरसों को 479 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार ने 795 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। इन 10 योजनाओं में हमने आपको बजट के मुख्य बिंदु बताए, लेकिन हम इस सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि ये योजनाएं सिर्फ कागजों में न रह जाएं और उसी के साथ ये करोड़ों रुपए की राशियां ऐसे ही ना आवंटित हो जाएं। इन पर कुछ काम जमीनी धरातल पर भी दिखना चाहिए। फिलहाल की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।